हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज 19 जुलाई और 19 जुलाई को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है। जिसने भी आईपीओ में अप्लाई किया होगा, आज आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलॉटमेंट का स्टेटस आप कब, कहाँ और कैसे चेक कर सकते हो। साथ ही साथ बताएंगे कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम क्या चल रहा है और लिस्टिंग के दिन कितना लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले इसके डिटेल्स की बात कर लें। तो यहाँ पे ये 500 करोड़ का आईपीओ था, 12 से 14 जुलाई तक इशू ओपन था और 19 जुलाई आज इसका जो है अलॉटमेंट डेट है। अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 24 जुलाई को आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है जिसको, तो 21 जुलाई को जो है बैंक में आपके जो पैसे ब्लॉक हो रखे हैं वो रिफंड आ जाएंगे आपके अकाउंट में। और आईपीओ का प्राइस मैंने यहाँ 23 से 25 रुपये रखा गया था। अभी चलिए आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे आपको चेक करना है वो बता देते हैं। ये टोटल इशू जो है 110.77 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, तो यहाँ पे 100% लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा, जो उसको भी अलॉटमेंट लकी लोगों को मिलता है। अभी यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट दो तरीके से आप चेक कर सकते हो, दो तरीका है। एक पहला तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हो, दूसरा है के फिनटेक जो कि इनके रजिस्ट्रार की वेबसाइट है इस आईपीओ के लिए, वहाँ से भी जाके आईपीओ का स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं और आपको स्टेटस कैसे चेक करना बता देते हैं। सबसे पहले हम बीएससी इंडिया की साइट पे जाएंगे। तो देखिए बीएससी इंडिया की साइट ओपन हो गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अपना डायरेक्टली जाके देख सकते हो। यहाँ पे इशू टाइप पे आपको इक्विटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इशू नेम में यहाँ पे आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एप्लीकेशन नंबर आपके पास अवेलेबल है तो एप्लीकेशन नंबर डालिए, सर्च आई एम नॉट रिपीट पे क्लिक करिए, सर्च करिए, आपको यहाँ पे स्टेटस शो कर जाएगा। और एप्लीकेशन नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको पैन नंबर आपका याद होगा, आप यहाँ सीधे अपना पैन नंबर डालिए, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिए, सर्च करिए, और आईपीओ का स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएगा, अलॉटमेंट मिला है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर अलॉटमेंट दिखता है आपको तो कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और अभी दूसरी जो वेबसाइट है इनके रजिस्ट्रार की वेबसाइट, वहाँ भी चल के हम देख लेते हैं कैसे चेक करना है। तो यहाँ के फिनटेक की साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक पे, और ये देखिए के फिनटेक की वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे सेलेक्ट आईपीओ, यहाँ से आईपीओ का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहाँ पे तीन तरीका है, एक तो एप्लीकेशन नंबर डाल के आप यहाँ पे कैप्चा भरिए, सबमिट करिए और स्टेटस शो हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर नहीं है, डीमेट अकाउंट है आपके पास तो डीमेट अकाउंट डाल दीजिए। डीमेट अकाउंट डाल के यहाँ पे डी पी आई डी डालिएगा, क्लाइंट आई डी डालिएगा, कैप्चा यहाँ पे इंटर करिएगा और सबमिट पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ से स्टेटस शो कर जाएगा। अगर एप्लीकेशन नंबर डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो पैन नंबर, आपको यूजुअली आपका अपना पैन नंबर याद रहता है तो पैन नंबर यहाँ सीधे डाल दीजिए। सिंपल तरीका सबसे यही है, यहाँ पैन नंबर पे क्लिक करिए, पैन नंबर इंटर करिए, कैप्चा डालिए और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, और आपको यहाँ पे आपके आईपीओ का अलॉटमेंट शो कर जाएगा कि अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उन लकी लोगों में जिनको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है और लिस्टिंग डे के दिन आपको क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। और ये इस तरह से आप आईपीओ का अलॉटमेंट, अब जल्दी जीएमपी की बात करें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस आईपीओ का क्या चल रहा है, तो 16 रुपये अभी जीएमपी इसका करंट मार्केट में चल रही है। मतलब कि एक शेयर पर आपको यहाँ पर 16 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो 16 × 600 एक लॉट का साइज़ है, मतलब अगर आपको एक लॉट मिलता है तो 600 शेयर्स हैं उसमें, और 600 शेयर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 से, तो यहाँ 9000 समथिंग, मतलब अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स, यहाँ पे 9 to 10,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। 60 to 70% अप्रॉक्स यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये मेरी राय जो है इस आईपीओ के लिए, तो यहाँ पे आपको अगर लिस्टिंग गेन अच्छा खासा मिल रहा है 10,000-9,000, तो यहाँ पे आप इसको लिस्टिंग गेन ले बुक कर लीजिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट हो सकता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रुक सकते हैं। तो सपोज़ दैट मान लीजिए आपने दो लॉट लिए हैं, तो एक लॉट का यहाँ पे लिस्टिंग गेन ले लीजिए 10,000 रुपये, अगर मिलता है लिस्टिंग गेन पे तो आप इसको बुक कर लीजिए, और एक लॉट लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। इन फ्यूचर में अगर ये शेयर कैपेबिलिटी रखता है, कंपनी अच्छी है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो 100 रुपये तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल